शनिवार को अम्बाला में अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया पहुंचे। इन्होंने बहुतेरे राज्यों से आए हुए एसोसिएशन के सदस्यों की समस्याओं को सुनते हुए आश्वासन दिया कि जल्द उनकी हर समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसेस वेलफेयर एसोसिएशन न केवल रेलवे वेंडिंग लाइसेंसियों के कल्याण के लिए समर्पित है, बल्कि उनके विक्रेता सदस्यों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य रेलवे प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को ताज़ा, स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में भोजन परोसने के लिए प्रयत्नशील हैं। पिछले दिनों गाड़ियों में बेची जाने वाली खान पान वस्तुओं की दर सूची आला क्रेडिट को संशोधित कर बढ़ाया जा चुका है, जबकि रेलवे प्लेटफॉर्मों पर इनकी दरों को साल 2012 के बाद 7 वर्षों से अभी तक संशोधित कर नहीं बढ़ाया गया। खुले बाजार में आज के कच्चे माल की कीमत एवं बढ़ी हुई माल ढुलाई की दरों को देखते हुए विक्रय मूल्य में बढ़ोतरी करते हुए शीघ्र नई सूची जारी की जानी चाहिए। पूरी मदद करूंगा। और ये भी इसकी क्षमता एक मैसेज है कि जब एक आदमी का प्रेसिडेंट होगा तो फिर आप सब उसके अंदर शामिल होते हैं। स्टेज पे करने की नहीं होती, कुछ बातें इंप्लीमेंटेशन के लिए रखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया भी है, 10 तरह की बातें निकलती है, आपने भी अपनी बात रखी है, क्योंकि मैं आपके फंक्शन में आया हूँ आपकी परेशानियों को सुनना, ये मेरा कर्तव्य है। और समाधान कैसे हो, कहाँ हो, किससे मिलकर हो, इसके ऊपर काम मैंने करना है। वक्तन फोक्तन दाएं बाएं हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलते रहते हैं, और जब कोई मन की बात उनके ध्यान में लानी होती है तो जैसे परसों मैं वो मथुरा थे तो बराबर में बैठा था, मैंने एक बार ध्यान में लानी थी तो मैंने चुपक देके उनके ध्यान में ला दी। तो ऐसे बहुत से अवसर आते हैं, वन रैंक वन पेंशन का बातें जब चली तो हमने की, तो मेरी गुप्ता जी से ये प्रार्थना है के एज ए एमपी आपका केस रखने में और एज ए मिनिस्टर आपका केस रखने में थोड़ा फर्क आएगा, क्योंकि जब मैं एज ए मिनिस्टर जाऊं, पीयूष गोयल को मिलने जाऊं, प्रधानमंत्री जी को जाऊं, तो मेरे पास फैक्ट एंड फिगर वो पूरी होनी चाहिए। एक मैं वैसे वकील भी हूं, केस स्टडी पूरी तरह से होना चाहिए, कोई कच्ची बात लेकर जाने का उल्टा प्रभाव। तो पहले मैं तो होमवर्क कर सकता हूं, मटेरियल आप प्रोवाइड कराएंगे और फिर उसके ऊपर माइंड मैप लाऊंगा और उसमें से जो भी समाधान निकलेगा। अब तो बिल्कुल अमन भी है, हृदय में हो गया इसने भी एलएलएम कर लिया। तो मैं यही कह रहा हूं आपसे कि बहुत ज्यादा भाषणबाजी की बात नहीं है, पहले भी गुप्ता जी मुझे मिलते रहे हैं, और अगर उस परम पिता परमेश्वर ने चाहा तो 20 से पहले इसका समाधान कर बोलने को मैं मेरा तो मेरे बारे में तो मशहूर है कि मेरा तवाई बहुत देर में गर्म होता है लेकिन अब वो ज्यादा बोलने के चक्कर में कई बार काम भी खराब हो जाता है। हमें अपना काम निकालना है, ना कि भाषण देना। आप मुझे मिलते रहिए,
मैं आपका समाधान करने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। थैंक यू। बताएं सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ है और अपने नाम के सब तरीके। मेरा नाम रविंद्र गुप्ता है और मैं अखिल भारतीय रेलवे खान पान लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज का कार्यक्रम यह है कि हमारी एसोसिएशन जो रेलवे इंटर सिस्टम जो जारी किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें बड़ी बिग प्लेयर्स, बड़ी कंपनियां इसमें एंट्रेंस करी। पॉलिसी रेलवे ने ऐसी बनाई ताकि छोटे लोगों को हटा दिया जाए और उनको उत्पीड़न का कार्यक्रम जो शुरू हुआ 2004 में, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं। 2010 में कैटरिंग पॉलिसी चेंज हुई, उस लोगों को राहत मिली। लेकिन मार्च 2014 में जाते जाते कांग्रेस सरकार ने इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो उसमें 16 जनवरी 2016 में 29 जनवरी को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि किसी को बेरोजगार न किया। इसी ऑर्डर को मोडिफाई किया 30/10/18 को सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी का एक एक लाइसेंस रिन्यू किया जाए। लेकिन रेलवे की नीति ये है कि आज तक 18 के बाद किसी का सिंगल लाइसेंस रिन्यू नहीं किया उन्होंने। तमाम तरह की लाइसेंस फीस बढ़ा दी। वन इंडिया टैक्स की बात हुई थी जीएसटी की, आज हम माल परचेस करते हैं उस पर जीएसटी देते हैं। 18% जीएसटी रेलवे ले रही है, 5% फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रही है, लेकिन मुझे इनपुट वापस उसका नहीं मिलेगा। ना ही हम रेलवे पैसेंजर से ले सकते हैं, अगर लेते हैं तो वो ओवर चार्जिंग मानी जाती है। तो ये ट्रिपल जो टैक्स लगाने की बात की है सरकार ने, ये बहुत गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद, हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी रेलवे ने मनमानी रवैया अपनाते हुए कुछ लोगों की दुकानें तोड़ दी। हम उनकी बहाली की बात करते हैं। अभी अम्बाला में पिछले दिनों देखा होगा आपने, रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ दुकानें थीं जिन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, फिर भी DRM ने मनमानी करते हुए, गुंडा राज दिखाते हुए उन दुकानों को धराशाही कर दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, इसको रिस्टोर करने की हम बात करते हैं। जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, हमारी एसोसिएशन, मैं खुद एज ए प्रेसिडेंट नई दिल्ली पे दुकान चला रहा हूँ, मैंने प्लास्टिक का यूज़ 5 साल पहले से बंद कर रखा है। हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं, प्लास्टिक नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक से क्या होता है कि रेलवे लाइन की नालियाँ चौक होती हैं, गंदगी फैलती है, चूहे होते हैं। लेकिन भ्रष्ट अफसरशाही जो है ना, वो कोका कोला को बंद करती है, ना पेप्सी को बंद करती है, ना मैंगो शेक को बंद करती है। जमीन से जल दोहन करके किसानों की जमीन को बंजर भूमि बनाने का काम रेल नीर कर रहा है। ये रेलवे का उत्पादन है रेल नीर। सबसे पहले अगर ये बंद करना चाहते हैं तो पहले रेल नीर को बंद करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पे पदार्थ चल रही है, उनको बंद करें। हम इनका समर्थन करेंगे, हम इनका मांग करते हैं। विकल्प इन्होंने ढूंढा नहीं, बंद करने की बात करते हैं। स्टॉल इन्होंने दिया नहीं, किसी को तोड़ने की बात करते हैं। जब इनको आप सुविधाएं देते हैं, रेट इनको बढ़ाते हैं और हमारे लोगों को आप उत्पीड़न का कार्य करते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।